नेशनल सेव गर्ल चाइल्ड डे निमित्ते वनिता आश्रम शाळा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना संदेशों साथे कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। छेल्ला 113 वर्ष थी सूरत में कार्यरत वनिता विश्राम स्कूल में दीकरियों ना विकास माटे ने प्रगति माटे कार्यरत छे, त्यारे नेशनल सेव गर्ल चाइल्ड निमित्ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना विषय पर एक कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। वनिता विश्राम प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम ना प्रिंसिपल ज्योतिका मैडमे वधु माहिती आपता जणाव्यु हतु के आ आयोजन वर्च्युअल राखवामां आव्यो हतो, जेमां दीकरीओ डॉक्टर एंजीनियर पायलट नेता अभिनेता वैज्ञानिक शिक्षक जेवा अलग अलग पात्रों धारण करीने नारी शक्तिनो परिचय आप्यो हतो। ज्योतिका रामनानी प्रिंसिपल PDVEM इंग्लिश मीडियम वनिता विश्राम जी, मैडम आज कौन सा इवेंट रखने में आया था? आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इवेंट रखा था हमारे स्कूल में, और ये इवेंट हमने एक छोटे से मैसेज के द्वारा सबको प्रस्तुत किया। ये मैसेज था हमारी ट्रेनीज़ के द्वारा, हमारी मॉन्टेसरी ट्रेनीज़ ने छोटा सा प्रोग्राम स्किट परफॉर्म किया और इसके ऊपर ही हमारा मैसेज था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ये नया कैंपेन स्टार्ट किया था विमेन एम्पावरमेंट के लिए। हमने उसको आज प्रमोट किया कि आप सब लोग जानते हैं वनिता विश्राम 113 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बेटियों के लिए हमने स्पेशल, सिर्फ बेटियों के लिए ही है, नर्सरी से लेके कॉलेज तक बेटियाँ यहाँ आती हैं, पढ़ती हैं और बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुँचती हैं। ठीक, क्या खास बात थी इस इवेंट में? इस इवेंट की खास बात यह है कि हम हमारी बेटियों को अभी भी अगर हम गांव में जाएं, छोटे कस्बों में जाएं, बेटियों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, चाहे वो शादी के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, उनको अभी भी जो है बहुत बैकवर्ड रखा जाता है। हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियों को आप किसी से कम नहीं समझिए, बेटियाँ सब कुछ हैं, सब कुछ कर सकती हैं और वो ही हमारी ग्रोथ है। ऑनलाइन हमने वर्चुअली प्रोग्राम रखा था, फेसबुक लाइव रखा था और हमारे साथ 50 अराउंड लोग जुड़े थे और भी हमारा लास्ट तक जुड़ते जा रहे थे। इसमें हमने जो है, हमारी स्टूडेंट है फिलज़ा फातिमा, ये नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है और इंटरनेशनली भी खेल चुकी है, हमने इनको सम्मानित किया और ये हमारे यहाँ नर्सरी से लेके हमारे यहाँ ही पढ़ी हुई है। एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी मेरी टीम की तरफ से कि चिल्ड्रन, आप सब लोग बहुत प्यारे हैं हमारे लिए, प्लीज़ घर पे बैठिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जब तक स्कूल नहीं खुलता है हम आपका स्कूल है और हम आपके पास आएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।